टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के अचानक निधन से हर कोई हैरान है। सोनाली को गोवा में दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाते समय सोनाली इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गईं। वहीं आपको बता दें कि सोनाली ने अपने कैरियर की शुरुआत महज एक टीवी एंकर के तौर पर की थी, लेकिन यहीं से इनके अंदर धीरे धीरे एक्टिंग का शौक बढ़ा, जिसके बाद इन्हें टिकटॉक से काफी अच्छी खासी पॉपुलरिटी मिली। हालांकि इस दौरान सोनाली के जीवन में भी कई सारे उतार चढ़ाव आए। इनके लिए सबसे दुख भरा समय तब आया जब इनके पति का अचानक निधन हो गया। वही सोनाली फोगाट बताती थी कि पति के निधन के बाद ये बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन अपनी बेटी को इन सभी दुखों से दूर रखने के लिए सोनाली ने एक नई शुरुआत की। यहाँ तक कि ये अपनी बेटी को बेटे से भी बढ़कर मानती थी। साथ ही आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि अभी हाल ही में सोनाली की बेटी यशोधरा का जन्मदिन था, और जन्मदिन के कुछ दिन बाद ही सोनाली ने हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। दरअसल आपको बता दें कि 7 अगस्त को यशोधरा का जन्मदिन था, और इसके महज 16 दिन बाद 23 अगस्त को सोनाली का निधन हो गया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसे समय में सोनाली के परिवार पर क्या बीत रही होगी। फिलहाल सोनाली के अचानक निधन से हर कोई बेहद दुखी है। वैसे सोनाली फोगाट के अचानक निधन पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही बॉलीवुड और सेलिब्रिटीज से जुड़ी किसी भी खबर को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए।